रायबरेली के मिल एरिया पुलिस ने सालों से फरार चल रहे एक पीएसी के आरक्षी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कोर्ट से वारंट जारी हुआ था और उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी था। आरोपी को मिल एरिया पुलिस ने प्रगतिपुरम के पास से बाइक समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जवान पर सितंबर 2013 में लगभग 70,000 के बिल के लिए दो अलग अलग हॉस्पिटलों के फर्जी बिल लगाने का आरोप है। जांच के बाद जनवरी 2014 में मुकदमा दर्ज होने पर आरोपी फरार हो गया था। वहीं आरोपी का कहना है कि उसके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा कायम किया गया है। बढ़िया से खींच लिया भाई आजकल। क्या नाम है आपका? ईश्वर चंद श्रीवास्तव। क्या मामला है? कुछ नहीं, सिपाही है हम। सिपाही है हम और 420 का मुकदमा कस्टम भाव से लिखवाया गया। घूस मांगे नहीं दिए, हटा के अपने तरफ से लगाए। एएसपी ने बताया कि आरोपी की तलाश काफी दिनों से की जा रही थी, जिसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। थाना मिलेरिया पुलिस द्वारा एक ईश्वर चंद श्रीवास्तव नाम के आरोपी को पकड़ा गया है, जो पीएसी में नौकरी करता था और इसने फर्जी मेडिकल बिल लगाकर सरकारी धनराशि का भुगतान भी प्राप्त कर लिया था। जांच कराने पे तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसको जांच में दोषी पाया गया और उसी आधार पर थाना मिलेरिया पे इसमें 420-409 का मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज हुआ था और ये सेवा से बर्खास्त भी किया गया है। इस आरोपी को आज मिलेरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसको यहाँ से न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ से। जिले की 25वीं वाहिनी पीएसी में एक मामला उजागर हुआ, जिसमें बताया गया कि अभियुक्त ईश्वर चंद्र श्रीवास्तव ने साल 2013 में चिकित्सा प्रतिपूर्णी के लिए लगभग 70,000 रुपए का अलग अलग अस्पतालों का फर्जी बिल बना कर दिया। इसके संबंध में जांच सेना नायक 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली द्वारा कराई गई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा लिखे जाने की जानकारी होने पर ईश्वर चंद फरार हो गया। आरोपी को पीएसी से बर्खास्त भी कर दिया गया था। रायबरेली से शिवकेश सोनी की रिपोर्ट।